बॉलीवुड के दिलचस्प खबरों के लिए इस बेल को प्रेस कीजिए ताकि हम आप तक खबरें पहुंचा सके। बॉलीवुड की जानी मानी कोरियोग्राफर सरोज खान का कार्डियक अरेस्ट के चलते मुंबई में आज निधन हो गया। 20 जून को उन्हें मुंबई के बांद्रा में स्थित गुरु नानक हॉस्पिटल में सांस की तकलीफ के चलते एडमिट किया गया था। देर रात उनकी तबीयत बेहद बिगड़ गई और शुक्रवार को उनका निधन हो गया। बता दें उनका कोविड-19 टेस्ट भी किया गया था जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। सरोज खान का अंतिम संस्कार शुक्रवार को मुंबई में स्थित मलाड के मालवानी में होगा। सरोज खान ने 4 दशक के अपने लंबे करियर में 2000 से ज्यादा गानों की कोरियोग्राफी की थी। सरोज खान को 3 बार नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। सरोज खान को संजय लीला भंसाली की फिल्म देवदास में डोला रे डोला गाने की कोरियोग्राफी के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। इसके अलावा माधुरी दीक्षित की फिल्म तेजाब के आइटम सॉन्ग 1, 2, 3 और साल 2007 में आई करीना कपूर की फिल्म जब वी मेट के सॉन्ग ये इश्क हाय के लिए भी उन्हें नेशनल अवार्ड से नवाजा गया था। सरोज खान ने नगीना फिल्म से श्रीदेवी के सुपरहिट गाने मैं नागिन तू सपेरा और मिस्टर इंडिया फिल्म का गाना हवा हवाई की कोरियोग्राफी की थी जिसके बाद से वो काफी पॉपुलर हो गई। कुछ समय से वो अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर काफी सिलेक्टिव थी। उन्होंने कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका में लास्ट ईयर काम किया था। इसके अलावा उन्होंने 2015 में उनकी फिल्म तनु वेड्स मनु के लिए कोरियोग्राफी की थी। सरोज खान ने आखिरी बार करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस के तले बनी फिल्म कलंक में तबाह हो गए गाने की कोरियोग्राफी की थी। इस गाने में उन्होंने माधुरी दीक्षित का डांस डायरेक्ट किया था। आज हमने बॉलीवुड का एक और सितारा खो दिया।